हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पूरे फुल बॉडी को कैसे इजी तरीके से स्क्रब करें, जो कि आपका पूरा बॉडी सॉफ्ट बनता है स्क्रब करने से। मैं आपको फेस के बारे में भी बताई हूँ कि आप अपने फेस को कैसे स्क्रब करें। स्क्रब करने से आपका स्किन सॉफ्ट एंड सफल बनता है और आपका जो स्किन जो होता है डेड स्किन हो जाता है हमारा, ऊपर का लेयर वो हट जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप स्क्रब करोगे तो आपको बहुत ही, अगर आप होम रेमेडीज़ भी यूज़ करोगे, होम रेमेडीज़ भी बहुत सारे हैं, तो उसे यूज़ करके आप पूरे बॉडी को स्क्रब करोगे कैसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेना पड़ता है स्क्रब करने के लिए। वैसे तो आप राइस फ्लोर भी ले सकते हो, उससे भी आप बॉडी को स्क्रब कर सकते हो, या तो बेसन और हल्दी से भी बॉडी को स्क्रब कर सकते हो। तो उससे हमें बहुत ही मेहनत लगता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप, वैसे तो आप पार्लर जाके भी बॉडी का स्क्रब कराते होंगे, तो मैं आपको इतना इजी ट्रिक बताऊंगी और आपको कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आपका कुछ पैसा भी खर्च नहीं होगा। और मैं ऐसा बताऊंगी कि आप पूरे इजी तरीके से आप अपने पूरे बॉडी को सॉफ्ट बनाएं और अपने पूरे बॉडी को स्क्रब करें। स्क्रब करेंगे तो आपके पूरे बॉडी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी पे छोटे छोटे दाने हैं, हो गए हैं, और आपका बॉडी थोड़ा ड्राई लगता है, रूखा लगता है, तो आप स्क्रब करोगे पूरे बॉडी को तो आपका बॉडी, वो छोटे छोटे दाने भी चले जाएंगे और आपका बॉडी सॉफ्ट बन जाएगा। तो मैं चलिए आपको बताऊंगी कि वो क्या है। आप जब नहाते हो, बैथिंग करते हो, तो आप पूरे बॉडी को गीला करते हो, ओके, गीला करते हो और साबुन लगाते हो, ठीक है। तो आप पहले आप अपने पूरे बॉडी को गीला कर लो, पहले आप अपने लेग को, थाई को गीला कर लो, उसके बाद अब अपर बॉडी को आप गीला कर लो, पूरे बॉडी को आप गीला कर लो। और उसके बाद आप सोप यूज़ करते होंगे, आप सोप यूज़, कोई भी सोप यूज़ करो, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, पूरा बॉडी में आप सोप लगा लो, जैसे कि ये सोप है, आप पूरे बॉडी में, अपने पूरे बॉडी में सोप लगा लिया। सोप लगाने के बाद आप क्या करो, सोप लगाने के बाद आप, ये सॉक्स है हमारा, देखिए ये सॉक्स है, ये सॉक्स है आपके पास, अगर पुराना सॉक्स है उसे आप अच्छे से धो ले, वॉश कर ले, और वॉश करने के बाद अगर न्यू सॉक्स भी है तो उसे आप गीला कर ले, ठीक है। और नहाते वक्त उसे आप साइड में रखें, ठीक है, साइड में रखें। और जब आप पूरी बॉडी में पानी डाल दिए, फिर साबुन भी पूरे बॉडी में लगा लिए, उसके बाद आप क्या करो, आप इस, ये जो सॉक्स है इसे आप फोल्ड कर लो अच्छे से, ऐसे करके आप फोल्ड कर लो, इसमें पूरा आप सोप लगाओ, ऐसे जैसे ये सोप लगाओ आप पूरा, और पूरा बॉडी तो गीला हो गया और साबुन भी आपने लगा लिया। और अपने आप, जैसे कि हैंड है हमारा, तो हैंड को पूरा इस तरह से रब किए, पूरे बॉडी को रब करो, पूरा बॉडी को आप, पूरा बॉडी को इसमें सोप लगा के पूरे बॉडी को रब करो। आप इस टाइप से भी पूरे बॉडी को आप रब कर सकते हो, फेस को छोड़ के, फेस को ऐसे मत रब करना। फेस पे तो आप फेस वॉश लगाते हो और उसको वॉश कर लो, फेस तो हमारा डेलिकेट एरिया होता है, हमारा स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है फेस का। तो हम बॉडी का बता रहे हैं आपको, इसमें आप सोप लगा के, बहुत ही ईजी तरीका है, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। आप तो साबुन लगाते ही होंगे, आप अपने बॉडी को गीला करते ही हैं, तो आप बस सॉक्स रखें अपने बाथरूम में, इस सॉक्स को गीला कर ले और सोप, जैसे कि ये सोप है हमारा, ये सोप लो और इसे आप इसमें रब कर लो, तो ये गीला हो जाएगा। और अपने पूरे बॉडी को इससे रब करो, ठीक है, पूरे बॉडी को आप इससे रब करो, आप इसे कंटिन्यू करो गाइस। आप नोटिस करोगे कि आपका स्किन पूरा सॉफ्ट हो गया है। मेरे बॉडी भी ड्राई थे तो मैंने ये ट्रिक अपनाया और मैं ये इसे करके देखी। पूरा बॉडी को स्क्रब करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे होम रेमेडीज़ हुआ हमारा, शुगर से स्क्रब करो या बेसन से स्क्रब करो, तो उससे आप करोगे तो आपका, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी चाहिए बेसन का या शुगर का, कोई भी चीज़। तो इससे आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप बस एक सॉक्स रखो अपने बाथरूम में और गीला कर लो उसको, बॉडी को तो आप गीला कर ही लिए, और इससे पूरे बॉडी को स्क्रब करो, ठीक है। और आप बड़ा सा सॉक्स लेना, सॉक्स लेके फिर आप इस टाइप से करके इस ऐसे ऐसे भी आप रब कर सकते हो, तो आपका बैक में भी रब हो जाएगा, तो आपके स्किन के डेड स्किन निकल जाएंगे और आपका स्किन सॉफ्ट एंड सफल हो जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप इस ट्रिक को करो, इस टिप्स को करो, आजमाओ और मुझे कमेंट करो, और कमेंट को ड्रॉप करो और मुझे बताओ कि आपको क्या बेनिफिट्स हुआ। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।